Good evening. Good evening. Are you using your mind power? Hey, bachcho, kuch use kiya hai kisi cheez mein? Very good. Results mile? Yes, ma'am. Very nice. Yes, ma'am. Very nice. और जैसे जैसे आप यूज करेंगे ना तो आप देखना आपकी क्रिएटिविटी भी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, बहुत क्रिएटिव होते चले जाएंगे खुद से, माइंड में आपको इतने आने लगेंगे ना थॉट्स अच्छे अच्छे वाले, यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, सबको राइट। नाउ वी स्टार्ट द डे 3 रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर्स। अभी तक हमने दोनों लेक्चर्स में मिला के क्या क्या किया है एक बार में छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन की पावर के बारे में, लैंग्वेज ऑफ राइट ब्रेन क्या है, क्योंकि अगर हमें पावर यूज करनी है तो हमें उसका लैंग्वेज पता होना चाहिए। ब्रेन मैपिंग क्या है, जो हम टेबल्स को लर्न करने में ब्रेन को मैप करके टेबल्स का दे रहे हैं ब्रेन को, राइट, दैट इज द ब्रेन मैपिंग। टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ राइट ब्रेन जो मैंने अभी अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, है ना, उसके अंदर एक तो वो रियल एंड इमेजिनरी की बात है और एक ये है कि वो छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझता, हम कितना हार्ड वर्क करें कितना इजी वर्क करें इट डजंट हैव एनी डिफरेंस फॉर दैट, राइट। हाउ वी कैन कीप अवर ब्रेन शोरूम क्लीन एंड परफेक्ट, हमने शोरूम की बात करी थी, शोरूम हमने कैसे सीखा था, जब हम चीजों को रिवाइज करते रहते हैं तो हमारे माइंड में आगे आ जाती हैं, जब हम बहुत टाइम उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं तो वो पीछे चली जाती है, गो डाउन में चली जाती है, राइट। तो जब भी आपको कोई चीज चाहिए होती है तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप हमेशा उन्हें रिवाइज करते रहें, राइट। कलर्स एंड शेप, राइट, हाँ बिल्कुल। लर्निंग ऑफ टेबल्स विद माइंड पावर, अभी तक हम 2, 3, 18 and 19 टेबल्स कर चुके हैं, राइट। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, हाउ वी कैन बी मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी इंटेलिजेंट, एवरी पेरेंट्स वॉन्ट टू देयर चाइल्ड टू बी इंटेलिजेंट, राइट। तो हाउ वी कैन बी, लर्निंग ऑफ टेबल्स 4 and 17 का आज हम लर्न करेंगे, रिविजन करेंगे हम जो हम सीख चुके हैं एंड असाइन वर्क। व्हाई सम चिल्ड्रंस आर एट टॉप, सम आर मीडियोकर एंड सम आर बिलो एवरेज। क्लास में होता है ना कि कुछ बच्चे बहुत ही हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, वही हमेशा आते रहते हैं, कुछ मीडियम है कि ठीक है बस कभी अच्छे नंबर से पास हो गए, कभी थोड़ा 60 आ गए, कभी 70 आ गए, कभी 80 आ गए, राइट। और कुछ बिलो एवरेज होते हैं कि जिन्हें पास भी होना बड़ा मुश्किल सा होता है। बट व्हाई इट हैपेंस, एज वी हैव ऑल चिल्ड्रंस हैव द आपका अनलिमिटेड पावर, ऑल चिल्ड्रंस हैव द अनलिमिटेड पावर, देन व्हाई इट हैपेंस विद अस कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बीच का करते हैं, कुछ बिलो एवरेज करते हैं, राइट। सो इन माई ओपिनियन फ्रेंड्स देयर आर 4 फैक्टर्स। नंबर 1 इज द इनबॉर्न टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट मीन्स आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे के संग, जैसे हम कहते हैं ना एवरी चाइल्ड हैज द अनलिमिटेड पावर, एवरी चाइल्ड हैज अनलिमिटेड पावर बाय बर्थ, जब उसका जन्म हुआ है इट कम्स विद द अनलिमिटेड पावर्स। और एक होता है इनबॉर्न टैलेंट, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बचपन से ही दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन सम फील्ड्स, नॉट इन ऑल बट इन सम फील्ड्स दे आर डूइंग वेरी गुड इन दैट। देखा है ना कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे हैं, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ का इंजीनियरिंग में माइंड बहुत अच्छा होता है, गाड़ी में करने का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ का माइंड बहुत अच्छा होता है, मीन्स बाय बर्थ दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी नाइसली। तो ये उन्हें कहा जाता है कि दैट इज देयर इनबॉर्न टैलेंट, वो इस टैलेंट को लेके ही इस दुनिया में आए हैं, राइट। तो इनबॉर्न टैलेंट एक बच्चों का होता ही है, उसमें यू कांट डू एनीथिंग, वो बच्चों के साथ ही आया है। बट इट इज वेरी ट्रू, एवरी चाइल्ड हैज द अनलिमिटेड पावर, इट इज वेरी ट्रू। अगर हमारे पास अनलिमिटेड पावर है तो व्हाई वी कांट यूज दैट, अब व्हाई का जवाब आप सुनिएगा, राइट। अब यहां पर व्हाई का जवाब है कि due to the overpass information, energy, right, and identity. Overpass information का मतलब है कि जैसे बच्चा 2 साल तक तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, whatever he is doing, all are enjoying. उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 3 years onwards, उसके बाद 3 years onwards में बच्चे के लिए हर चीज में उसको बताया जाता है, are you doing good, you are not doing good, you are foolish, you are bad, you are good. हर चीज में उसको एक टाइटल दिया जाता है। अच्छा ड्राइंग शुरू हो गई भाई, है वेरी नाइस, ओके
okay, now you can't do the drawing, you just have to listen me. Okay, friends. So wait, chalo baat kar lenge abhi. सेकेंड वन इज द ओवरपास इन्फॉर्मेशन जो आपको चारों तरफ से मिल रही है. फिर आप और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपके टीचर्स भी आपको बताने लगते हैं, फ्रेंड्स भी आपको बताने लगते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने से आप अपने अंदर जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ना, उससे आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है. उससे आप अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, यस आई एम वेरी गुड और आई एम नॉट गुड. जैसे जैसे आपको टाइटल्स मिलते हैं, यू आर गुड इन मैथ, यू आर गुड इन इंग्लिश, यू आर नॉट गुड इन दिस सब्जेक्ट, यू आर नॉट गुड इन दिस सब्जेक्ट. और जैसे जैसे आपके माइंड को ये एनर्जी मिलती है, राइट, क्योंकि राइट ब्रेन का अभी हमने सीखा है ना, उसके पास तो बहुत पावर है. और राइट ब्रेन के पास ये सारी चीज अगर आपकी जा रही है कि आपने ध्यान से उनकी बातों को विजुअलाइज किया, वो यार माई टीचर वॉज सेइंग मी कि यू कांट डू दिस सम बिकॉज यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, और अगर आपने ये चीज अपने माइंड में ले ली तो फिर आपका राइट ब्रेन, बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड द रियल एंड इमेजिनरी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके माइंड को नहीं मालूम है कि आप ये बात रियल है या इमेजिनरी है. आपको सिर्फ टीचर ने कहा और आपने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि यस माई टीचर वॉज टेलिंग मी कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई कांट डू दिस सम, राइट, और आपके माइंड ने उसी पे काम करना शुरू कर दिया. तो बच्चों यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी चीज है थर्ड पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स. कुछ भी घटना आप देखिए, आपके संग रोजाना कुछ ना कुछ घटित होता रहता है. कभी आपके फ्रेंड के साथ कुछ लड़ाई हो गई है, कभी आपके घर में कोई बात हो गई है, आपके पापा ने कुछ कह दिया, मम्मा ने कुछ कह दिया, टीचर ने आज आपको कुछ कह दिया, आपके फ्रेंड ने कुछ कह दिया, राइट, कुछ भी होता रहता है. कोई भी इवेंट आपके सामने आती रहती है, एवरी डे यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, होता है ना. तो आप उन इवेंट्स को, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने माइंड में उन्हें कैसे ले रहे हैं, कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उन इवेंट्स को, उन इवेंट्स को आप अपने माइंड में कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं कि आपको आज किसी आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम तो बहुत ही बुद्धू हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम इंग्लिश में ये स्पेलिंग याद ही नहीं कर सकते, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट. अब एक बच्चा तो होगा जिसने उसे इंटरप्रिटेट करा, नहीं 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 यार, ही डजंट नो, मतलब ठीक है उसके सामने कुछ नहीं कहा बट वो अपने माइंड को तो बता रहा है ना, ही डजंट नो टू मी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आराम से याद कर लूंगा, वेन एवर आई वुड लाइक टू मेमोराइज इट आई कैन डू इट. उसने अपने माइंड को क्या दिया इवेंट कि मैं आई कैन डू इट, इंटरप्रिटेशन उसका हुआ कि मैं कर सकता हूँ, और यही मैसेज उसके राइट ब्रेन को गया. तो इट मीन्स नाउ ही इज और शी इज एबल टू डू इट, क्योंकि उसका माइंड उसी के साथ काम करेगा. अभी दूसरे बच्चे ने क्या इंटरप्रिटेट करा इवेंट को, ओ यार मेरे से तो हुआ भी नहीं था, कल भी मैं नहीं कर पाया था ये सम, कल भी मेरा गलत हो गया था, एंड टूडे ऑल्सो ही वॉज सेइंग मी लाइक दिस, उसने भी मेरे को यही बताया है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और आप बस ये सोच के बैठ गए आई कांट डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट. तो ये आपने इंटरप्रिटेशन क्या करा, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई कांट डू इट, और यही आई कांट डू इट आपने अपने राइट ब्रेन को दे दिया. अब ये जबकि सच नहीं था, आप इसे यहां चेंज कर सकते थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि अभी अगर आपको नहीं, आप माइंड पावर को यूज करेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे राइट ब्रेन को मुझे कैसे चीजों को देना है, मुझे कैसे पॉजिटिव बना के देना है, आई डोंट हैव टू गिव एनी नेगेटिव थिंग्स, चाहे मेरे में नहीं है अभी, ओके आई नो दैट वेरी वेल कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश राइट नाउ, बट आई वॉन्ट टू बी गुड इन इंग्लिश, मुझे होना है अच्छा, तो मुझे एक इमेजनरी पिक्चर बना के अपने माइंड को देना है, राइट फ्रेंड्स, एक इमेजनरी पिक्चर बना के मुझे अपने माइंड को देना है, Yes, I am very good in English. I am very good in English. Okay? तो जब आप ये पिक्चर बना के देंगे, आप यानी कि अपनी इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन जब आप पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे, योर माइंड विल डू द वर्क विद दैट. ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज बिलीव्स. बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप किसी भी चीज को, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, इनबॉर्न टैलेंट तो अलग चीज हो गई, वो तो ठीक है बचपन से बच्चे के साथ है,
और उसका भी बहुत डिपेंड करता है कि अपनी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो टैलेंट को बढ़ाता है या टैलेंट को वो बच्चा घटाता है, क्योंकि आपका माइंड उसी पे काम करेगा जैसा आप उसे सोच अपने थॉट्स दोगे। आपने थॉट्स देने शुरू करे कि आई एम नॉट गुड, टैलेंट चाहे आपका इनबॉर्न जितना था बट माइंड आपका उसी पे काम करेगा। तो ओवरपास इंफॉर्मेशन से आपका इनबॉर्न टैलेंट को भी इफेक्ट होता है, चाहे आपका इनबॉर्न टैलेंट कितना बढ़िया हो। फिर इंटरप्रिटेशन आपने इवेंट्स का जैसे किया उसके अकॉर्डिंग आपके बिलीफ बन गए। बिलीफ क्या कहते हैं? अपना विश्वास, राइट? बिलीफ मीन्स मुझे अपने ऊपर कितना विश्वास है। तो जैसे जैसे आपने कहा कि यस आई कांट डू इट, तो यानी कि मैंने अपना बिलीफ बना लिया आई एम नॉट एबल टू डू इट, ये मेरा बिलीफ बन गया, राइट? ये मेरा विश्वास हो गया अपने ऊपर, और मैंने अपने ऊपर ये विश्वास करके अपने राइट ब्रेन को भी बता दिया आई एम नॉट एबल टू डू इट। अब मेरा राइट ब्रेन क्या करेगा? उसी सेंटेंस को लेके उसके ऊपर काम करेगा, राइट? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो आपका कोई भी बिलीफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ We are going to learn the tables now. तो फ्रेंड्स ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से याद करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में भी बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा then you can ask me in the last of the session, right? But ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझनी। अभी से अगर आप ये समझ जाएंगे सारी बातें तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी अनसक्सेस को फेस नहीं करेंगे। ऑलवेज यू विल बी बिहाइंड द सक्सेस। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टेबल्स। उसी तरह से अपनी नोटबुक निकालिएगा, अपने फोर पेन्स निकालिएगा एंड फर्स्ट राइट द टेबल ऑफ फोर विद अ रेड कलर। टू फोर इंटू टू इक्वल्स फोर इंटू थ्री, राइट? टू लाइन्स, ये तो आपको पता ही है ना, फोर इंटू टू फोर इंटू थ्री, आई थिंक सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, हो गया। फोर टू जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व। नाउ लुक एट दीज इक्वेशंस और दीज नंबर्स for 10 seconds. Look at this at for 10 seconds. इस मैप को पूरा अपने राइट ब्रेन तक जाने दीजिए। Now close your eyes and write these numbers on your mental screen. Close your eyes and write these numbers on your mental screen. 4, 2, 8, 4, 3, 12. 4, 2, 8, 4, 3, 12. Three times we will write with a red pen in big fonts. 4, 2, 8, 4, 3, 12. Relax. Now open your eyes. Okay. Now we will take the second set with the green pen. Okay. Now write 4 4s with the green pen. 4 4s is 16. 4 5s is 20. With the green pen in big fonts. Right? In big font. Now look at these numbers for 10 seconds. Make a map and send your map into your right brain through your eyes. Now close your eyes and write these numbers on your mental screen with the green pen in big fonts. 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 4, 16, 4, 5, 20. Now we will write from 2, 4, 2, 2, 4,
फाइव सा फोर टू सा एट फोर थ्री सा ट्वेल्व फोर फोर सा सिक्सटीन फोर फाइव सा ट्वेंटी Now we will write from the 4 5 za to 4 2 za means backward. So start writing 4 5 za 20 4 4 za 16 4 3 za 12 4 2 za 8. Okay, relax. Now open your eyes and take your blue pen and write 4 6 ja 7 sa in big fonts in your notebook. 4 6 ja 4 7 ja 28. Okay, so now look for 10 seconds on these numbers and try to map these numbers and send it to your right brain through your eyes. Now close your eyes and write on the mental string with the blue pen in big fonts. Three times we will write 4 6 cha 24 4 7 za 28 4 6 za 24 4 7 za 28 4 6 za 24 4 7 za 28 Now friends, we will write from 4 2 za to 4 7 za 7 za 4 2 za 8 4 3 za 12 4 4 za 16 4 5 za 20 4 6 za 24 4 7 za 28 Now we will write from 4 7 za to 4 2 za 4 7 za 28 4 6 za 24 4 5 za 20 20 4 4 za 16 4 3 za 12 4 2 za 8 right okay so now we will take the yellow pen and write the 4 8 za and 4 9 za and big fonts voice is coming low because I was just writing in the mind na now I will speak loud and friends one more thing agar hamara fir se ye disconnect hota hai then we will rejoin it okay now because it is showing the message 4 8 za 32 4 9 za 36 okay 4 8 za 32 4 9 za 36 now look at these numbers for 10 seconds make a map and send that map to your right brain Now close your eyes and write on your mental screen with yellow pen and big fonts. Write 4 8 za 30
टू, फोर नाइन जा 36, थ्री टाइम्स फोर एट जा 32, फोर नाइन जा 36, फोर एट जा 32, फोर नाइन जा 36. Now friends, we will write from 4 twos are 2, 4 nines are all together. Start writing. 4 twos are is 8. 4 threes are is 12. 4 fours are is 16. 4 fives are is 20. 4 sixza is 24. 4 sevenza is 28. 4 eightza is 32. 4 ninza is 36. Now we will write from 4 ninza to 4 twoza. 4 ninza is 36. Try to memorize that. Don't worry if you are not memorizing. Don't worry, but try to memorize that. 4 eightza is 32. 4 sevenza is 28. 4 sixza is 24. 4 fiveza is 20. 4 fourza is 16. 4 threesa is 12. 4 twosa is 8. Right? So friends, like this, when you will go 4 or 5 times, right? Maximum 4 or 5 times you will go through this numbers. And you will make the map, you will send your the map in your right brain, you will go through that neural path, definitely it you will memorize all these numbers. Okay, jaise hi aap apni table ko yaad karne ki koshish karenge 4 6 ja aapko foran realize hoga 4 6 ja is 24, 4 7 ja 28, matlab apne aap se aapko yaad aayega. Because आपका राइट ब्रेन आपको बताएगा, अपने आप आपको विजुअलाइज होगा, ठीक है. लेकिन बस वही है कि आप अपने उसे पॉलिश करके ना शोरूम पे रखते रहिएगा, भूल मत जाइएगा उसके बाद में, है ना, थोड़ा सा उसे शोरूम में आगे लाते रहिएगा कि बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा. ओके, राइट नाउ इन टूजा. अब हम इस टेबल को स्केल मैथ से लिखेंगे पहले, ठीक है. स्केल मैथ के थ्रू हम इस टेबल को लिखेंगे. तो अब आप लिखना शुरू कीजिए. पहले आप मेरे से पहले लिखेंगे, ठीक है. आप सब बच्चे मेरे से पहले लिखेंगे, बिकॉज नाउ यू नो द टेक्निक. सेवन टू जा 17, थ्री जा यानी कि 3 सेवन जा 4 सेवन जा 5 7 जा 5 प्लस 3, है ना, मैं यही कर रही हूँ ना. 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 3, ऐसे किया है ना. राइट, 7 से 6 जा 7 6 जा 7 7 जा very good 17 8 za wo 7 8 za 7 9 za 9 za right all have written. अभी ऐसे टेबल लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना किसी को भी, ऐसे तो फटाफट सब लोग लिख लेते हैं टेबल, राइट. ये भी एक हमारा स्किल टेक्निक से हो गया है कि जिससे हम अगर हमें जरूरत पड़ती है नहीं याद आता तो वी कैन राइट लाइक दिस. बट आप स्किल मैथ से जरूर उसे माइंड पावर से जरूर करिएगा. ओके, नाउ अगेन वी विल टेक अवर रेड पेन
एंड राइट इन योर नोटबुक. अगर आपने ये टेबल अभी वैसे लिखा है तो आप फिर भी रेड पेन से अलग से इन दोनों नंबर को लिखिएगा, 17 2 सा 17 3 सा, बिग फॉन्ट में, राइट, बिग फॉन्ट में 17 2 सा 17 3 सा आप लिखिएगा, 34 51, एंड लुक एट दीज नंबर्स फॉर 10 seconds. Make a map and send that map into your right brain. Now close your eyes and write these numbers on your mental screen. 17 2 34, right? 17 3 51, 17 2 34, 17 3 51, 17 2 34, 17 3 51. Relax. Now open your eyes. Now take your green pen, right, and write the 17 4 17 5 in big font. Okay, so 17 4 68, 17 5 85, 17 4 68, 17 5 85, 17 4 68.